अगर आप एसबीआई योनो ऐप में अपनी एम पिन या यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो और आपके सामने इस प्रकार की एक एरर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन नहीं हो रहा अकाउंट, तो ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब यही है कि आप जो है योनो ऐप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज नहीं कर रहे हैं, आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप योनो ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में मौजूद योनो ऐप को अपडेट कर लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है, फिर से आपके सामने इस प्रकार की एक एरर आ जाएगी। अभी आपको अपने मोबाइल में योनो ऐप को अपडेट करना है, फिर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आप चाहें तो प्ले स्टोर में जाके कर लीजिए, या यहाँ पर देखिए अपग्रेड का ऑप्शन है, इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में योनो ऐप ओपन हो जाएगा। इसको अपडेट कर लीजिए यहाँ से, और अपडेट करने के बाद आप अपनी यूजर आईडी या पासवर्ड डालकर या एम पिन डालकर लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपडेट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर योनो ऐप में आपको लॉग इन करके दिखाएंगे। इंस्टॉल हो चुका है, चलिए इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर हम अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो अभी देखिए हमने यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दी, अभी आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। और अब देखिए आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, जो एरर पहले आ रही थी वो अब नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप एसबीआई योनो ऐप में आने वाली इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।